हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 रिवीजन का एक्सरसाइज 1 जो है 1 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। सो टुडे वी गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। ओके, फर्स्ट वी सी द क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चंस, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, सो यू बेटर अंडरस्टैंड दैट हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे हमें इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उस नंबर को लिख लेंगे। ठीक है, 8629। ओके, अब इसे हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे हम प्लेस वैल्यूज निकालते हैं, सेम प्लेस वैल्यू का ही हम वो करेंगे और इसे एक्सपेंडेड फॉर्म की तरह से लिखेंगे। जैसे 8 जो है किस प्लेस पर है हम ये देखेंगे पहले, 9 जो है वंस के प्लेस पर है, 2 जो है टेंस के प्लेस पर है, 6 जो है 100 के प्लेस पर है और 8 जो है 1000 के प्लेस पर है। ओके, तो हम इसके प्लेस के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 8000 प्लस 600 के प्लेस पर है, 600 प्लस 2 टेंस के प्लेस पर है, 2 प्लस 9 वंस के प्लेस पर है। ओके, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ, यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं 8000, ठीक है, 8000 600, ओके 29, हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, तो हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही इसको राइट करेंगे, यानी कि उसको पूरा विस्तृत रूप में लिख देंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। ओके, तो इसमें जो बाकी क्वेश्चंस हैं आप लोग सेल्फ कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा और पिछले क्लास में आप लोगों ने इसे पढ़ा भी है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं। सो आई नो यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, एक्सपेंडेड फॉर्म, सेम प्रोसेस है और इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो इसमें दिया हुआ है, जो ये दिया है ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है और हमें जो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो दिया है 4561, तो हम लिखना शुरू करेंगे 4561। ओके, आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। सेकेंड ऐसे 5087, 5087 यानी कि इसमें 100 नहीं है, तो हम 5087 हम प्लेस के अकॉर्डिंग रखेंगे और उसको लिख देंगे। इसको लिखने के लिए आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये वंस, टेंस, 100 और ये 1000 हो गया। ठीक है, और क्वेश्चंस में जैसे दिया है कि 7707, ठीक है, तो 7000 है, हम 7 के प्लेस पर देंगे, फिर क्या 700 है, 100 के प्लेस पर फिर 7, फिर 7 यानी कि ये वंस के प्लेस पर है, बीच में टेंस जो है हमारा कुछ भी नहीं दिया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जी 7707। ओके, ये भी आप लोग के समझ में आ गया होगा,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, काउंटिंग बाई फाइव्स राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 3037 टू 3072। स्किप काउंटिंग आप लोगों ने क्लास सेकेंड में भी पढ़ा है, क्लास थर्ड में भी पढ़ा है, सेम वही चीज़ है इसमें भी। इसमें क्या करना है आपको, फाइव्स ठीक है स्किप करते हुए लिखना है। तो हम अगर लिखना स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 3037 ठीक है, इसके आगे से हमें लिखना शुरू करना है। तो अगर हम इसमें क्योंकि फाइव स्किप करने के लिए दिया है तो हम फाइव इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7512 314 0 and 3042। अब हम इसमें फिर फाइव ऐड कर देंगे यानी कि 3042 प्लस फाइव, 527 4 0 and 3 ठीक है। तो इस तरह से हम ऐड करेंगे, ये तो हमारा हो गया रफ वर्क। हम फेयर पे इस तरह से तो लिख नहीं सकते हैं, कितना ऐड करते हुए लिखेंगे, तो हम इसको डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखना शुरू करेंगे। हाँ, 3037 कॉमा 3042 कॉमा 3047 ओके, थ्री थाउजेंड फिफ्टी टू। हम 72 तक इसलिए लिखना छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था आप लोगों को क्वेश्चन याद होगा तो 3037 टू 3072 यानी कि 3037 से हम लिखना स्टार्ट करेंगे और 3072 पर हमारा इसका एंड हो जाएगा ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, हमें क्या करना है इसमें फाइव स्किप्स करते हुए लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, इसमें 15 ठीक है, काउंटिंग बाई फिफ्टींस राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 9023 टू 9113। इसमें 15 स्किप करते हुए हम लोग को लिखना है, तो हम इसको 15 स्किप करते हुए कैसे लिखेंगे, हम इसको सेम इसी प्रोसेस के थ्रू 15 ऐड करते हुए जाएंगे और उसे लिखते जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, काउंटिंग द फिफ्टीज राइट द न्यूमरल्स इन रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम 2010 टू 1660। ये अब रिवर्स में है, जैसे हम रिवर्स काउंटिंग लिखते हैं 100, 99, 98, 97, 96 ओके, तो ये भी हमें रिवर्स में लिखना है यानी कि 2010 से स्टार्ट करना है और 1660 पे हमें इसे इंड कर देना है। लेकिन हमें कितना स्किप करना है इसमें, 50 इज मतलब 50 हम लिखते हैं ना, 4950 वो 50 ओके। तो हम इसको ठीक विपरीत लिखना शुरू करेंगे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। लिखना शुरू करना है 2010 से ओके, तो हम लिखेंगे 2010, इसमें 50 हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1060 ठीक है, उसमें फिर 50 माइनस करेंगे तो आएगा 1910, फिर 50 लेस करेंगे
1860। फिर 50 लेस करेंगे 1810। ओके, इसमें फिर 50 लेस करेंगे तो आएगा 1760। इसमें फिर 50 लेस करेंगे 1710। अगेन 50 लेस करेंगे तो आएगा 1660। और हमारे क्वेश्चंस में भी क्या था, लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट क्या था हमारा, हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। 1660। ओके, दिस इज क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, कंपेयर करने के लिए 12 पहले देखते हैं। 12 है लुक एट द पैटर्न एंड फील इन द ब्लैंक्स। हमें इस पैटर्न को पहले देखना है, समझना है, उसके बाद फिर जो यहाँ कुछ ब्लैंक्स दिए हुए ना उसको हमें फिलअप करना है। तो हम पहले जो दिया है उसे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे क्या दिया है, 16, 23, 30, 37। हम ये देखेंगे कि ये कितना स्किप करते हुए लिख रहा है। ओके, क्योंकि पहले जब हम इनको कंपेयर कर लेंगे तब हम आगे का लिख लेंगे कि इसमें कितना स्किप किया है तो हमें कितना स्किप करना है। ओके, तो हम 16 है तो कितना ऐड किया है, इसमें कितना स्किप किया है, 17, 18, 19, 20, 21, 23। कितना, 7। ठीक है, तो हम इसमें 7 स्किप करते हुए लिखेंगे क्योंकि 23 में फिर 7 ऐड किया है, 30 आया है, 30 में फिर 7 ऐड करेगा तो 37। अब 37 में फिर 7 ही ऐड करना है, यानी जितना दिया है हमें उसी के अकॉर्डिंग इसको ऐड करते हुए लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 44, 51, 58 and 65। ओके, बी में हम देखेंगे बी में कितना स्किप किया है तो 65 है, और 165 के बाद जो है 180 आता है, तो कितना स्किप किया है हम इसको देखेंगे। तो 65 है, 65 तो 570 and 1080, यानी कि 15 ऐड किया है, तो 65, 80, 95, 210, तो हमारा हो जाएगा 225, 240, 255, 270। ओके, बाकी आप सेल्फ कर लोगे, नो प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर द नंबर्स एंड पुट द करेक्ट सिंबल इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द प्लेस होल्डर। दो नंबर्स दिए हुए हैं हमें, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल का साइन बनाना है। और ये आप लोगों ने UKG और क्लास 1, 2, 3 सब में लगभग ये क्वेश्चंस आप लोगों ने किया होगा, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ग्रेटर देन और लेस देन का साइन कैसे बनाते हैं सबको पता होगा। जैसे 1001, 996, 1001 जो है 996 से बड़ा है, तो लिखेंगे 1001 इज ग्रेटर देन 996। बी है 5406 और सेकेंड है 5460, यानी कि इसमें कौन सा बड़ा है, ग्रेटर क्या है, तो 5460। तो हम इसमें साइन लगाएंगे 5406 इज लेस देन 5460। ओके, बाकी साइन सब खुद लगाएंगे इसको और सेल्फ करोगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
ओके, इन ए फ्रूट ऑर्चर्ड देयर आर 1978 एप्पल ट्री, 2563 मैंगो ट्री एंड 3075 गुआवा ट्री. हाउ मेनी फ्रूट्स ट्रीज इन ऑल आर देयर इन ऑर्चर्ड. ओके, क्या है कि एक बगीचा है जिसमें से एप्पल ट्री कितने हैं 1978, मैंगो ट्री कितने हैं 2563 एंड गुआवा ट्रीज 3075. सो इसमें ये पूछ रहा है कि उस पूरे बगीचे में फ्रूट्स के टोटल कितने पेड़ हैं. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको पूरा ऐड कर देंगे. क्वेश्चन नंबर है ये आपका 20. ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हम लिखेंगे. देयर आर एप्पल ट्री, देयर आर एप्पल ट्री इक्वल कितना है 1978. ओके, एप्पल ट्री के बाद क्या है, मैंगो ट्री. मैंगो ट्री इक्वल 2563. ओके, नेक्स्ट किस चीज़ का है, गुआवा ट्रीज. यहाँ लिख देंगे गुआवा ट्रीज इक्वल 3075. ओके, अब इसमें ये पूछ रहा है टोटल कितने हैं, तो हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे. यहाँ लिखेंगे टोटल फ्रूट ट्री, टोटल फ्रूट ट्री इक्वल, इसे ऐड करेंगे. ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम ऐड करना स्टार्ट करें. 8 and 3 8 9 10 11. 5 और ऐड करेंगे 12 13 14 15 16. हम 16 या 6 हमारा 1 जो है कैरी हो जाता है. ओके, नेक्स्ट जोड़ते हैं 7 and 6 8 9 10 11 12 13. 13 and 7 14 15 16 17 18 19 20. 1 हमारा कैरी है तो 21, फिर हमारा यहाँ 2 कैरी हो गया. ओके, 9 और 5 10 11 12 13 14. नीचे 0 है तो हम कैरी करेंगे 14 15 16. 6 हमारा फिर 1 कैरी हो गया. ओके, 2 1 2 3 3 and 3 6 and 1 7. तो टोटल कितने ट्री हैं,